हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह एंड्रॉइड 16 को आप विंडोज पीसी या लैपटॉप में इजीली रन कर सकते हैं, कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं, प्ले स्टोर को फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी एप्स हो गया, गेम्स हो गया, आप इजीली डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। एंड्रॉइड 16 को आप फुल्ली एक्सेस कर सकेंगे। वैसे तो एंड्रॉइड 16 को आपको यूज करने के लिए एक न्यू डिवाइस लेना होगा, तभी जाके आप इसे यूज कर सकेंगे, लेकिन आप एंड्रॉइड एमुलेटर की मदद से इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकेंगे और इसे कोड नेम है बकलावा API 36। तो चलिए देखते हैं किस तरह एंड्रॉइड 16 को विंडोज पीसी या लैपटॉप में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो फैन में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड 16 इंस्टॉल करने से पहले मुझे कुछ सेटिंग करना होगा, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना होगा। तो किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपली आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर इसे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सीपीयू के परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और नीचे ही आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये इनेबल है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसे इनेबल करके रखा हूँ। अगर आपके यहाँ पे डिसेबल दिखाई देता है तो आपको इसे बायोस में जाके इनेबल करना होगा। तो सिंपली आपको इसे क्लोज करके अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। तो पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद बायोस में आ जाना है। तो मैं गीगाबाइट के मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपको मैं इसमें इनेबल करके दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको MIT इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस फ्रीक्वेंसी सेटिंग इस पे क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सीपीयू सेटिंग, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है SBM मोड, आपको इसे इनेबल करना होगा। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इसे सेव कर लेना है और इसे सेव एंड एग्जिट करना होगा। तो सेव एंड एग्जिट करता हूँ और यस कर देता हूँ। तो बायोस में वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के बाद आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है। तो टास्क बार में आपको राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाके फिर से आपको यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन देख लेना है, आपको यहाँ पे इनेबल हुआ है कि नहीं। इनेबल होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और यहाँ पे आपको प्रोग्राम एंड फीचर, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है टर्न विंडोज फीचर, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए वर्चुअलाइजेशन आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, देखिए यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन मशीन प्लेटफॉर्म, आपको इसे टिक करके ओके कर देना है और ये चेंजेस होगा। उसके बाद आपके पीसी रीस्टार्ट होगा, आपको पीसी रीस्टार्ट कर लेना है। तब मुझे यहाँ पे एंड्रॉइड एमुलेटर को डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करूंगा। यहाँ से आप ऑफिशियली एंड्रॉइड एमुलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको एंड्रॉइड स्टूडियो और टॉप में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और ये देखिए फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है, तो आपको वेट कर लेना है ये फाइल जब तक डाउनलोड कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इस पे सिंपली डबल क्लिक कर लेना है और आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको फिनिश कर लेना है। तो फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ फाइल डाउनलोड करेगा, तो सिंपली आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। जो रिक्वायरमेंट फाइल है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको लाइसेंस की को एक्सपेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है और ये कुछ फाइल डाउनलोड होगा, आपको वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं एंड्रॉइड एमुलेटर को यूज कर सकूंगा और एंड्रॉइड एमुलेटर के मदद से एंड्रॉइड 16 को मैं इजीली वर्चुअलाइजेशन में यूज कर सकूंगा। तो इसके लिए सिंपली आपको मोर एक्शन पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे SDK मैनेजर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 इसे सिलेक्ट करना है और API लेवल को भी आपको देख लेना है, 36 रखना है। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से मोर एक्शन पे क्लिक करना है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद सिंपली आपको प्लस आइकन पे क्रिएट करना है न्यू डिवाइस को क्रिएट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ढेर सारे डिवाइस देखने को मिल जाएगा, जैसे हो गया फोन, हो गया टैबलेट, हो गया डेस्कटॉप, हो गया टीवी, हो गया और भी यहाँ पे है। तो जैसे आप यहाँ पे फोन में एंड्रॉइड 16 को यूज करना चाहते हैं तो सिंपली फोन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कोई भी पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट में सिलेक्ट करिए और यहाँ पे टैबलेट पिक्सल, इसे सिलेक्ट करके आप इजीली एंड्रॉइड 16 को यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप में आप केवल एंड्रॉइड 14 तक ही यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे टैबलेट को यूज करूंगा, तो सिंपली टैबलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और पिक्सल टैबलेट इसे सिलेक्ट करता और नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 16 इसे सिलेक्ट करना है और आपको ध्यान रखना है गूगल प्ले स्टोर इसे सिलेक्ट करके रखना है और नीचे आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 16 इमेज इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एंड्रॉइड 16 को स्मूथली यूज करना चाहते हैं तो एडिशनल सेटिंग भी कर सकते हैं, सिंपली एडिशनल सेटिंग पे जाके और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे रैम हो गया, स्टोरेज हो गया। तो आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, सिंपली अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए। और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए सीपीयू का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, i5 है यहाँ पे और यहाँ पे मेमोरी 16 GB
SSD है और यहाँ पे डिक्स, यहाँ पे देखिए SSD लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंटरनल स्टोरेज को 30 कर देता हूँ कि कुछ भी मैं बड़े सॉफ्टवेयर को यूज करूँ तो स्मूथली चले। उसके नीचे ही आपको एक्सपेंडेड स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको SD कार्ड के रूप में काम करेगा। तो मैं इसे 2GB कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे GB में कर देता हूँ। और यहाँ पे CPU कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे 3 कोर है तो यहाँ पे मैं 3 कोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड मैं इसे ऑटोमेटिक सेट कर देता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी हाई डेफिनेशन एप्स को यूज करूँ तो स्मूथली चले, तो ऑटोमेटिक पे रख देता हूँ। और इसे मैं रैम को 4GB कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे VM साइज इसे मैं 512 कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको फिनिश कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइस क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्ले कर देना है और यहाँ पे आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम आप एंड्रॉइड को सेटअप कर रहे हैं, वो सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 16 यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं ये एंड्रॉइड 16 है कि नहीं। तो सिंपली आपको स्वाइप अप करना है नीचे और यहाँ पे सेटिंग इसे ओपन कर लेना है नीचे, और आपको स्क्रॉल करके देखना है अबाउट एमुलेट डिवाइस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाएगा 16। और यहाँ पे आप स्वाइप अप करेंगे, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे एप्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप क्रोम को ओपन करके यहाँ पे नेट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल से लॉगिन कर लेना है, तो मैं विदाउट लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे कुछ सर्च करके देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं नेट। तो मैं इसे गोइट करता हूँ, गेस्ट के रूप में यहाँ पे मैं इसे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अमेज़न को ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे एप्स को ट्राई करके देख लेता हूँ, तो सिंपली मैं यूट्यूब को ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। और यहाँ पे आप गूगल फोटो को भी ओपन करके देख सकते हैं, जो भी आपके फोटो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने फाइल को एक्सप्लोरर को भी ओपन करके देख सकते हैं, जो भी आपके स्टोरेज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद आप प्ले स्टोर को भी ओपन करके देख सकते हैं, आप इजिली यहाँ पे प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिये यहाँ पे जो भी आपको एप्स चाहिए एंड्रॉइड यहाँ पे आप इजिली यूज कर सकते हैं। जो भी आपको एप्स चाहिए सिंपली यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ पे इंस्टॉल करिए, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, आपको वेट करना है। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है, इजीली आप यहाँ पे एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर इसे यूज कर सकेंगे। और यहाँ पे आप इजीली गेम भी डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी गेम चाहिए यहाँ पे सर्च कर लीजिए और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैं सर्च करता हूँ एंग्री बर्ड और इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप कुछ गेम प्ले नहीं कर सकते हैं, जैसे हो गया फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वो सपोर्ट नहीं करता है। आप लाइट गेम को प्ले कर सकते हैं, जैसे हो गया एंग्री बर्ड, इस तरह गेम को आप इजीली प्ले कर सकते हैं और स्मूथली यहाँ पे प्ले होता है। और यहाँ पे आप USB पैड को भी कनेक्ट कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एंड्रॉइड 16 इजीली रन कर रहा हूँ और बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो आप इजीली एंड्रॉइड 16 को विंडोज के अंदर चला सकते हैं। तो फिर यार किस तरह एंड्रॉइड 16 को विंडोज PC या लैपटॉप में इजीली रन कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।